नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन। मैं हूं आपके साथ कनिका। महोबा जनपद के श्रीनगर थाना क्षेत्र में रात्रि में हुई गोलीकांड में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। थाना श्रीनगर पुलिस ने इस हत्याकांड से संबंधित आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हत्याकांड में सभी पांचों आरोपियों को श्रीनगर पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। थाना श्रीनगर जनपद महोबा की रात्रि 10:30 बजे तालाब की रखवाली करते हुए हरिश्चंद पुत्र मदन रायकवार ग्राम बिलखी की गोली मारकर हत्या कर दी। वो अपने तालाब में मछली पाल रखे थे और उस मछली की रखवाली के लिए उसमें वो नाव से पेट्रोलिंग कर रहे थे। उनके साथ 3 लोग और थे। अचानक गोली चली और उनकी जो है सर में गोली लगी और वो हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल से झांसी रिफर हुए, वहाँ रास्ते में उनका देहांत हो गया। इसके संदर्भ में थाना श्रीनगर पे मुकदमा 141/19-302 का पंजीकृत हुआ, जिसके अनावरण के लिए हमारी टीम ने काम किया। दिनांक 20/10/19 को, मतलब कल, जो है इस मुकदमे से संबंधित 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। इसमें जो शूटर था मुख्य रूप से प्रकाश चंद पुत्र परमलाल राजपूत, जो मुरानी का रहने वाला है, उसका साथी इंद्रपाल, सुनील, रतन सिंह, अशोक कुमार, ये 5 अभियुक्त पकड़े गए। इन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उनके द्वारा गोली चलाई गई थी। इस टीम को, जिस टीम ने इसको गिरफ्तार किया है, उसमें हमारे प्रभारी श्रीनगर श्री राकेश कुमार सरोज, उनके साथी राजकुमार सब इंस्पेक्टर महेंद्र प्रताप सिंह, कांस्टेबल सुमित कुमार, कांस्टेबल योगेंद्र सिंह और कांस्टेबल महेंद्र रिपुदमन सिंह के अलावा हमारी स्वाट टीम ने रात हरदोई जनपद के प्राथमिक विद्यालय घोड़ीथर विकासखंड हरपालपुर में बच्चों की शिक्षा से पूरी तरह खिलवाड़ हो रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानाध्यापक महावीर सिंह प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पावन धरती पर हाजी वारिस अली शाह का मुबारक मेला देवा शरीफ बाराबंकी में चल रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तरह तरह के आयोजन और मनोरंजक कार्यक्रम खास तरह से मेला दर्शकों को लुभा रहे हैं। इस मेले में संपूर्ण उत्तर प्रदेश से ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सभी राज्यों से दर्शकों सहित जायरीन और मुरीद लाखों की संख्या में हिस्सा ले रहे हैं। और मैं आज मौजूद हूँ देवा शरीफ में। हाजी वारिस अली शाह का मेला चल रहा है बाराबंकी उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर पूरे देश ही नहीं विदेश से यहाँ पर जो अनुयायी हैं, जो चाहने वाले हैं, वो आते हैं। और इन्होंने हमेशा सदैव जो समाज को संदेश दिया है, वो संदेश ऐसा दिया है कि जो रब है वही राम है, और वही इनके अनुयायी करते हैं, वही अनुयायी इस मैसेज को लेकर सारी दुनिया तक पहुंचाते हैं। देखिए, देवा शरीफ का इस वक्त मेला चल रहा है। मैं सबसे पहले आए हुए सभी जायरीनों का मैं स्वागत और इस्तकबाल करता हूँ। चूँकि मैं रहने वाला देवा शरीफ कस्बे का ही हूँ और जानी मानी मस्जिद घंटाघर मस्जिद के निकट मेरा घर है, और देवा शरीफ का ये संदेश है सरकार हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का कि जो रब है वही राम है। मोहब्बत ईमान है, और सुना सुना मोहब्बत करो, मोहब्बत से ही सब कुछ है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गोवंश की तस्करी के विरुद्ध तरह तरह के अभियान चला रही है, और लेकिन गौ तस्करों के हौसले फिर भी बुलंद हैं। मामला कुशीनगर जनपद के पडेरवा थाने का है, जहां पर सूत्र से जानकारी मिली कि एक ट्रक गोवंश NH-28 से गुजरने वाला है। फिर स्वाट टीम और पडेरवा थाने की पुलिस ने इस संयुक्त प्रयास से घेराबंदी करके जब ट्रक को रोकना चाहा, तो गो तस्करों ने खुद को घिरता देख पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शमीम नाम का एक अभियुक्त घायल हो गया, जिसके पैर में गोली लगी थी। स्वाट टीम और पुलिस की टीम ने 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनका एक साथी भागने में कामयाब रहा। आज सुबह सूचना मिली थी कि गोवंश को लेकर के ट्रक आ रहा है जो बिहार की सीमा में प्रवेश करेगा। इस सूचना के आधार पर स्वाट की टीम और थाना पटेरवा की फोर्स लगी थी, इंस्पेक्टर पटेरवा भी थी।
सुबह लगभग 5:30 बजे हाईवे पर जब इस ट्रक की घेराबंदी की गई तो एक चालक ने पुलिस को उसने देखा पुलिस ने घेर लिया है तो उसने पुलिस के ऊपर फायर किया। पुलिस ने भी जो सिखलाई का तरीका होता है अपने बचाव के लिए पुलिस ने जवाबी फायर किया, फिर भी सभी गाड़ी छोड़कर भागने लगे। दौड़ाकर पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा जिसमें से देखने पर पाया गया कि एक आदमी के पैर में गोली लगी है जो जवाबी फायर पुलिस द्वारा किया गया था। उससे तीनों से पूछताछ की गई, पता लगा एक उसमें फरार हो गया है 4 लोग थे और यह बता रहे थे हरियाणा से जानवर लाद कर चले थे, रहने वाले ये शामली और मुजफ्फरनगर के। सर लगासी पर इनके पास से तमंचा मिला, तमंचे में जो इन्होंने फायर किया था उसका फूंका कारतूस और एक जिंदा कारतूस भी मिला है। मोटर व्हीकल एक्ट के संशोधन के बाद भी जिस प्रकार दुर्घटना थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण है गांव के इलाकों में रहने वाले लोगों का जागरूक ना होना। जिसे जागरूक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह में कुशीनगर के ARTO संदीप कुमार पंकज ने दिन के 11 बजे से पटरौना कस्बे में लगभग 10 किलोमीटर तक सैकड़ों मोटरसाइकिल के साथ हेलमेट लगाकर जागरूकता रैली निकाली और लोगों को जागरूक किया। एक्चुअली उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिवहन विभाग के माध्यम से सड़क सुरक्षा सप्ताह की एक श्रृंखला चलती है जी। उस श्रृंखला में ये द्वितीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा था जी। जिसका आगाज एक सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यशाला बहुत बृहद स्तर पर करके की गई थी, आज उसका समापन है। समापन में वाइकोथान किया गया जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया कि यातायात के नियमों सड़क सुरक्षा उपायों का पालन करें जी। शाम को सड़क सुरक्षा सड़क दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों और उनके परिवार वालों के प्रति एक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कैंडल मार्च का आयोजन किया जाएगा और हम अपने इस पूरे प्रयास में तभी सफल हो पाएंगे जब समाज के अन्य लोग हमसे हमारी इस मुहिम में जुड़ें, सिविल सोसाइटी हमसे जुड़े, लोग इस चीज़ को समझें, अपने जीवन के महत्व को समझें, हेलमेट पहनने सीट बेल्ट पहनने के महत्व को समझें, यातायात नियमों के पालन के महत्व को समझें, सड़क सुरक्षा के जितने उपाय हैं उनको अपनाने के महत्व को समझें, तभी उत्तर प्रदेश सरकार का परिवहन विभाग का यह लक्ष्य या यह उद्देश्य सफल हो पाएगा। महाराष्ट्र में होने वाले 288 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव, वहीं तुमसर मोहाड़ी के विधानसभा के कुछ गांव में अभी तक मतदान का प्रतिशत धीमी गति से हो रहा है। वहीं तुमसर के सिहोरा पुलिस थाने की ओर से माहौल शांतिपूर्ण बनाने की अपील क्षेत्र में की जा रही है।